प्रभु यीशु के पाक में आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ एक बार फिर प्रभु के वचन को सीखने जा रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें तवज्जा दें हम लोग मिलकर लर्न करेंगे सीखेंगे उन बातों को जो परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है सिखाता है गाइड करता है और आज इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा सीखने वाले इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ये हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसको हमें बड़े ध्यान पूर्वक लर्न करना है सीखना है और अपनी ज़िंदगी में उतारना है इसके बिना आत्मिक ज़िंदगी जो है अधूरी है और उसमें कई चीज़ें जो हम अगर ना ध्यान पूर्वक करेंगे तो हो सकता है उसका नुकसान या उसका हरजाना हमें खुद भरना पड़ जाए तो मैं चाहूँगा कि आए मिलकर उन परमेश्वर के वचन की बातों को हम सीखें लर्न करें अपनी जिंदगी में उतारें और जो आज जो शीर्षक है जो टॉपिक है जो मजबून है जो सीखने का वो है सेवन वेपन्स ऑफ स्पिरिचुअल वॉरफेयर आत्मिक लड़ाई आत्मिक मल युद्ध के सात हथियार सात ऐसे टूल्स या वो हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं और परमेश्वर ने हम सब के लिए मुहैया करे हैं ताकि हम आत्मिक तौर पर उन हथियारों को इस्तेमाल कर सकें उनको अपनी जिंदगी में उतार सकें अगर हम उनको नहीं इस्तेमाल करते तो आत्मिक अनदेखी ताकतें जो शक्तियाँ हैं जो नेगेटिव फोर्सेस है जो, जो शतानी ताकतें हैं तरीक़े की ताकतें हैं वो हम पर हमला करने से वो तो नहीं रुकेंगे पर हम जो अगर हथियार ना खुप करके अपने आपने लिए रखे हो तो हम जो हैं पराजित हारी हुई और जिंदगी को जिएंगे, जिससे जो हैं हम खुद नुकसान पहुंचाएंगे। परमेश्वर की ओर से नहीं है परमेश्वर ने हमारे लिए वो इंतजाम किया हुआ है परमेश्वर हमारे लिए रखे हुए हैं हमें बताया गया है कि उन हथियारों को हमें पहनना है इस्तेमाल करना है तो इसका ब्लेम आप और मैं परमेश्वर पर नहीं लगा सकते हैं परमेश्वर पर नहीं दे सकते क्योंकि परमेश्वर ने अपनी तौर तो से ये हथियार कलीसिया को संगत को बिलीवर्स को हर एक विश्वासी के लिए मुहैया किए हुए हैं हमें अपने आप को उससे लैस करना है क्यूप करना है अपने आप को उससे जो भरना है उसको इस्तेमाल करने के लिए तात्पर होना है तैयार हो जाना है तो प्रियजनों आ, कितने लोग ऐसे हैं जो आत्मिक तौर पर पराजित जिंदगी जीते हैं रू में हैं परमेश्वर के साथ जिंदगी जीने की तमन्ना भी है ख्वाहिश भी है और बड़े ईमानदार भी हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर को खुश किया जाए आत्मिक जिंदगी फतेहमंद सफल संपन्न जी जाए और वो चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कार्य किया जाए उसके लिए सेवकाई खिदमात की जाए और परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो परमेश्वर के नाम को जलाल महिमा उनकी जिंदगी से मिले पर क्या है कि अगर नॉलेज नहीं है आत्मिक ज्ञान नहीं आत्मिक हथियार नहीं है शैतान बीच में जब रुकावट डालता है बीच में बाधाएं डालता है बीच में ऑब्स्टेकल्स से हर्डल्स लेकर आता है तो वो जो है उसमें उलझ जाते हैं उसमें जो है खो जाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं अपनी जिंदगी में और कभी भी वो सफल संपन्न जिंदगी नहीं जी पाते हैं हालांकि ये परमेश्वर की मर्जी है परमेश्वर की ख्वाहिश है परमेश्वर चाहता है कि हर विश्वासी एक फतेहमंद विजयी ट्रायम्फ जिंदगी जिए तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना हम उन हथियारों से अपने आप को इक्विप करें तैयार करें ऐसा ना हो कि हम भी चाहते हुए भी परमेश्वर की ओर से मुहैया किए हुए के बावजूद भी हम पराजित हारी हुई डिफीटेड लाइफ को जिए जो परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए नहीं है मैं चाहता हूं उन हथियारों को बारे में सीखें। कभी कभार कौन से हथियार है, है मैं चाहता हूं कि आप उन हवालों को मेरे साथ पढ़िएगा इफ्सियों की पत्री संत पॉलुस के द्वारा लिखी हुई इफ्सियों की पत्री चैप्टर सिक्स और उसकी जो है दसवीं पंक्ति से दसवीं पंक्ति से आप और मैं थोड़ा लर्न कर लेना है पहला क्रंथ में लिखा है ये जो हथियार है ये जस्मानी नहीं शारीरिक नहीं है तो इसलिए जो जिसम के हैं बाहरी जो हथियार उनके बारे में मत सोचिए कि मैं गन ले लूं तीर ले लूं तलवार ले लूं भाला ले लूं लकड़ी ले लूं और और मैं कोई पत्थर ले लूं मैं कोई लोहा ले लूं मैं कोई धातु ले लूं मैं कोई अः कोई खास अः जो है अंगूठी पहनूं या कुछ खास जो है ए, कि कोई कोई ऐसी जो है ऑब्जेक्ट्स को कैरी करूं, कोई हीरा लेकर रखूं, या कुछ जो है ए, कुछ ख़ास किस्म की जो सुगंधित वस्तु पास में रखूं ताकि शतान जो है उसको उसकी महक से मुझसे दूर हो जाए या किसी खास कलर से मुझसे दूर रहें या किसी ख़ास जो है ए, ऐसी जो है शेय रखूं साथ में ऑब्जेक्ट्स रखूं जिससे वो मुझसे दूर रहे जो कई बार सिखा दिया जाता है और वो तेरे टाइम जो है जाने जाने में लोग इनफैक्ट वो शैतानी ऑब्जेक्ट अपने साथ रखते हैं ताकि बदरुएं दूर हैं स्थान की ताकतें तारीकी की ताकतें नेगेटिव फोर्सेस नेगेटिव वाइब्स दूर रहें इनफैक्ट उनको पता ही नहीं कि वो खुद ही उनको अपने साथ कैरी करने की अनुमति दे रहे हैं उनको अपने साथ रख रहे हैं अज्ञानता की वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग ज्ञान के कारण से ना ज्ञान होने के कारण से नाश होते हैं। नॉलेज की वजह से लैक ऑफ द that एंड द नॉलेज us इन His वर्ल्ड सो so प्रियजनों कई बार अज्ञानता की वजह से हम गलत जो है फैसले ले लेते हैं तो मैं चाहूंगा यहाँ पर Uh, जब आप हथियारों की बात सीखे तो आप जस्मानी हथियारों के, uh, के, uh, के बारे में मत सोचिए जस्मानी जो शारीरिक वस्तुओं के बारे में मत सोचिए कोई खास जगहों के बारे में मत सोचिए जहां पर आप जाके मैं आपको फतः मिलती तो मैं आपको uh, यहाँ पर हवालों के साथ जो है इंट्रोड्यूस करता है चैप्टर सिक्स प्लस टेन कहता है फाइनली ब्रदर्स बी स्ट्रॉन्ग इन द लोड

सारे आत्मिक हथियारों अस्त्र शस्त्र से अपने आप को इक्विप कर लेना है ताकि शतान की हर चार युक्ति उसके सारे की योजना मंसूबों का आप और मैं सामना कर सके उसका जो है उसको उसको, उसको रिसिस्ट कर सके उससे फाइट कर सके सो फ्रॉम द लॉर्ड साइड इट इज क्लियर दैट वी शुड बी पुरिंग ऑन ऑल आर्मर ऑफ गॉड सो 12 कहता है कि वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश बट कि हम शरीर मासूर लहू से नहीं लड़ते कहने का मायना है कि हमारी लड़ाई हमारा युद्ध हमारा संग्राम किसी और शख्स के साथ किसी और कबीले के साथ किसी और देश के साथ किसी और मुल्क के साथ किसी और जाति और मजहब के खिलाफ या किसी और खास वर्ग के लोगों के साथ नहीं है ना आपके रिश्तेदारों के ना आपके जो खिलाफ बातें करने वाले शख्स के खिलाफ है सो आप और मैं ये मत सोचिए कि आपकी और मेरी लड़ाई किसी जाति किसी कौम किसी नेशनैलिटी किसी व्यक्ति किसी हस्ती कोई ऐसा जो मनुष्य है उसके खिलाफ नहीं है तो ये मत सोचिए ये बात आप क्लियर कर लीजिए दूसरा देखा बट अगेंस्ट अंधकार की ताकतों के खिलाफ है शक्तियों के खिलाफ है उन हाकमों प्रधानताओं के खिलाफ है जो अंधकार की ताकतें हैं जो विकट काम बुरे काम स्पिरिचुअल जो हैं हमारे खिलाफ बुरे काम करते हैं और वो हाई प्लेसेस में ऊंचे स्तर में हवाओं में अपना अड्डा जिन्होंने जमा रखा है जब परमेश्वर ने शतान उनके दूतों को नीचे जमीन पर गिराया तो उन्होंने हवाओं में अपना एक अड्डा एक अपना हेडक्वार्टर लगा लिया जहाँ से ये ये प्रिंसिपैलिटीज ये स्थानीय ताकतें कंट्रोल करती हैं नीचे छोटी छोटी बदरुओं को भेज के जो है प्रिंसिपैलिटी ऊपर बैठी हैं नीचे बदरुए बैठी हैं ये हाकम हैं प्रधानताएं हैं जो ऊपर से डायरेक्ट करती हैं नीचे इन बदरुओं को इन डेमन्स को इन स्थानीय ताकतों को इन बुरी नेगेटिव फोर्सेस को भेज कर मनुष्य के खिलाफ काम करती हैं शराब भेजती हैं लड़ाई झगड़े भेजती हैं नशे भेजती हैं डिविजन और हर तरह का वायलेंस भेजती हैं हर तरह का जो बुरे काम और एक्सीडेंट हो तमाम जो है बुराइयां जो है जो है ऊपर से उस हेडकोटर से अपने बदरों के जरिए से इंसान के खिलाफ करता है कि इंसान लड़ता रहे बुरा सोचता रहे बुरा करता रहे बुराइयां करता रहे गुनाह करता रहे गुनाह करवाता रहे हर तरह की बुराईतान जो है इन डिमानिक पावर्स के जरिए से अफ करता रहता है जॉन चैप्टर 6 वेस्टर्न में लिखा है शैतान आता है सिर्फ इसीलिए बल्कि चोरी करे नाश करे घात करे ये उसका काम है चोरी करना नाश करना घात करना हलाक करना ये उसका काम है इसीलिए उसने सारा ये अड्डा जमा रखा है तो कभी भी मत आप मत तो सोचिएगा कि शैतान या नेगेटिव फोर्सेस आपके मेरे फेवर में हो सकती है तो क्योंकि उनका प्लान जो है इंसान के खिलाफ इंसान की जो है खुशी के शांति तसली सेहत के खिलाफ है खानदानों परिवारों बच्चों नौजवानों बुजुर्गों के खिलाफ है तो इसलिए आप और मैं अगर सोचे कि नहीं हम शैतान को नहीं तंग करते तो शैतान हमें तंग नहीं करेगा नो 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 आप उसे कुछ तंग करे ना करें, करें। आपके उसके खिलाफ बोले या ना बोले वो आपके खिलाफ करेगा ही ये उसका मनसूबा है ये उसका स्वभाव है ये उसकी सीरत है कुछ लोगों का मानना होता है कि हमें कुछ नहीं शैतान को कहना ना उसे डांटना ना उसे रोकना ना उसे सिसकना वो हमें तंग नहीं करेगा नो 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 ये जो धारणा है आपकी स्वयं की है खुद की बनाई हुई है परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ऐसा है जो गरजते हुए सिंह के शेर के समान ढूंढता रहता है किसी को फाड़ खाए किसी को डिवॉर कर ले किसी को निगल जाए किसी के खिलाफ जो है उसके खिलाफ सो ही इज नॉट सिटिंग

से तंदुरुस्त पाई हुई अच्छा स्वास्थ्य पाए हुए परिवारों खानदानों के खिलाफ है दैट्स व्हाट इज प्लान सो ही ही वुड डू डू कुड टू डिस्ट्रॉय अस पर आपने और मैंने वाणी कहती है, है शैतान का सामना करो तो आपके सामने से दौड़ चले जाएगा द डेविल शैतान का सामना करो लड़ो टकरा करो उसके सामने खड़े हो जाओ उसके खिलाफ लड़ो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रभु यीशु का वचन हमें कहता है कि मैंने तुम्हें हर शैतान की ताकत पर फतह पाने निकालने, डिस्पेल करने, उसको निकालने के लिए उसको दूर करने के लिए उसको कास्ट आउट करने के लिए इख्तियार अथॉरिटी दी हुई है यीशु मैथ्यू ट्वेंटी एट उसके आखिरी अठारह उन्नीस बीस में लिखा हुआ है कि पूरा इख्तियार पूरा अधिकार आसमान जमीन का मुझे दिया गया है यीशु कहते हैं और इसी इख्तियार के साथ चाहे जमीन में हो हवाओं में हो पताल में हो किसी भी ताकत और किसी भी जगह किसी भी पृथ्वी के प्लेनेट के या किसी भी जगह पे क्यों ना ऑल द अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन द अर्थ हैज बीन गिवन इनटू मी जीसस क्राइस्ट हैज द फुल अथॉरिटी यीशु के पास वो इक्तियार है अधिकार है तो वो उसी अधिकार के साथ अपने शिगिर्दों को कलिसियों को सेवकों को वो अथॉरिटी से वो डेलीगेट करते हैं देते हैं और कहते हैं तुम जाकर सारी जातियों में जाकर सुषमाचार सुनाओ प्रचार करो प्रवचन सुनाओ मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 16, 16 एंड 17 में लिखा हुआ है बदरुओं को निकालो शैतान की ताकत को डिस्पेल करो डिस्ट्रॉय करो निकाल दो उनको और बीमारों के लिए प्रार्थना करो उनको चंगा करो ये जो है तैयार दिया हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें हर बदरूप पर इख्तियार देता हूँ तुम सांपों को बिच्छुओं को स्नान की हर ताकतों को डांटोगे उससे जो है अपने पाँव के तले जो है आप जो है उन पर जो है जो ट्रेड करोगे आप उनके ऊपर लताड़ दोगे उनको सबको क्योंकि प्रभु का शक्ति जो आपके लिए कलिसिया के लिए बोन करी गई है तो प्रिय जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा उसका आपके खिलाफ बातें होगी आपके खिलाफ शान काम करेगा आपके खिलाफ आपकी हेल्थ के खिलाफ आपके काम के खिलाफ आपके जो है फाइनेंस के खिलाफ आपके जो है चारों तरफ वो काम करेगा बट यू और अफ्रेड आपको डरने की खौफजदा होने की जरूरत नहीं है परमेश्वर आपकी तरफ है आपके साथ है आपको संभालने के लिए आपकी रक्षा के लिए आपकी हिफाजत के लिए उसने रिश्तों को लगा रखा है अपनी पाक हजूरी वो भेजते हैं बट कुछ काम हमारे हैं ताकि हम उसका सामना कर सके अपना बचाव कर सके और उसको खदेड़ सके निकाल सके डांट सकते और हुक्म दे सके आपके खानदान परिवार बच्चों चीजों वस्तुओं से घर घरानों से निकल के जाए अगर कोई सोचे भी मैं मेरे को कुछ नहीं कह रहा इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कह रहा पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो छुपा हुआ है वो आपके खिलाफ है वो लगा रहता है और बस टाइमिंग की वेट करता है कब आप पर वार किया जाए बट ही इज ऑलवेज अगेंस्ट अस ही इज नेवर गोइंग टू बी इन आवर फेवर ही वुड नेवर हिज नेचर तो खुदा उनका वचन कह रहा है कि पूरे हथियारों को पहन लो ताकि स्थान का सामना कर सको ताकि उसकी सारी युक्तियों का योजनाओं का आप सामना कर सको ये हमारे लिए है तो क्या क्या हथियार हैं मैं एक के बाद आपको बताऊंगा और आपने उन सब हथियारों को पहनना है अपनी जिंदगी में ले लेना है उतारना है और उन हथियारों के साथ आप और मैं खुदावन यीशु के पाक पवित्र नाम से उसके लहू में छुपे हुए हम उस पर फतेह पाएंगे शतान की हर युक्ति पर उसकी हर योजना पर हर उसके मंसूबे पर अपर so okay. में फेंगे सो यू बी रेडी एज वी स्टडी दिस वर्सेस एंड की पथरी चैप्टर मैं बताना चाह रहा हूँ कितने हथियार हैं पर आज जो है चुनिंदों हथियारों का हम अध्ययन करेंगे वर्ष में लिखा है Stand there for. इसलिए खड़े हो जाओ हैविंग योर लॉन्स गर्ल अबाउ द ट्रूथ अपने को अब अप सच्चाई से कमर को कस लो ठीक है पहला हथियार क्या है बेल्ट सच्चाई की कमर कसने वाली बेल्ट जो है पहनना ठीक है क्या है यह कहीं बस की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि जो लोग गिर रहे हैं या जो लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं वो हैं जी आ, 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 आत्मिक मालय आत्मिक लड़ाई यू नो वो हिस्सा है पर वो सब कुछ नहीं है आत्मिक लड़ाई का मायना है शैतान जब आपके खिलाफ काम करता है आपकी हेल्थ के खिलाफ काम करता है आपके चरित्र के खिलाफ काम करता है आपकी फिनेंस के खिलाफ काम करता है आपके मस्तिष्क दिमाग के खिलाफ काम करता है आपकी चीजों वस्तुओं के खिलाफ काम करता है तो उस पर कैसे गालिब आना है कैसे फतेह पानी है ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज आप जो है हर शाय में जो है शैतान ढूंढते रहे मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर जगह पर डिटेक्टिव की तरह ढूंढते रहे कहाँ डिमन कहा बदरू कहाँ नो no, नो no, नो no, नो no. वो आपके खिलाफ है काम करता है नेगेटिव फोर्सेस लेकर आता है और आपकी हेल्थ आपकी चीजों वस्तुओं के खिलाफ जब काम करता है तो आप कैसे उनको छुड़ाएंगे कैसे बच्चों को कैसे छुड़ाएंगे अपनी हेल्थ को कैसे बचाव करके रखेंगे अपने फाइनेंस को कैसे बचाव करके रखेंगे आप अप अपने बिजनेस को कैसे बचाव करके रखेंगे आप अप अपने चरित्र अपने करैक्टर अपनी कॉलिंग को कैसे बचा के रखेंगे आप जब सेफ बाई खिदमात करते तो आपके खिलाफ जब काम होते तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे That's what you need, those, those armors. आपको उस समय अस्त्र हथियारों की जरूरत है क्योंकि वो आप पर वहां करेगा तो आपने कैसे काउंटर अटैक करना है या कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को ठीक है तो पहला क्या है हथियार सच्चाई कौन सी सच्चाई लिखे सच्चाई से अपनी कमर को कस लो ठीक है ऑलमोस्ट बेल्ट ये बेल्ट बता रहा है कि बकल अप ये जो, जो है बेल्ट ऑफ ट्रुथ सच्चाई से अपनी कमर को कस लो जैसे ऑलमोस्ट अपने चरित्र को संभालने की बात हो रही है ना बेल्ट मतलब के आप अपने चरित्र को अपने करेक्टर को अपनी मोरालिटी को आप अपने जीवन के चाल चलन को कैसे गार्ड करना है प्रोटेक्ट करना है कैसे आपने खुद की एग्जिस्टेंस को संभाले रखना है कैसे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है शैतान जो है आपके खिलाफ जो है एक काम ना कर सके अब क्या है सच्चाई से कम कसने का मतलब ये है शैतान की योजना है कि वो झूठ अनट्रूथफुल चीजें जो काल्पनिक है सुपरस्टिशन की है उस डिसेप्शन में हमें लेके जाए लेकिन इंसान सच्चाई के पास जाए ना आप रीतों रवायतों परंपरों रिचुअल्स में ही फंसे रह जाओ सुपरस्टिशन में फंसे रह जाओ ये है वो है ये है दिन टाइम महीना ये सब जो है इंसान की मन घड़त परंपराएं रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट हैज नथिंग टू डू विद द ह्यूमन विक्ट्री जिसका जो है इंसान की फतेह पाने के साथ कुछ लेना देना नहीं है या फिर वो जो है आपको परमेश्वर के सही जो ज्ञान की तरफ आने नहीं देता है वचन की तरफ आने नहीं देता है रिसीव करना चाहता है गलत शिक्षाएं गलत तालीम गलत विचारधाराएं अपनी मन घड़त बातों उसी में फंसे रहना लोगों की बातों में फंसे रहना सोसाइटी समाज क्या कहता है उसी बहकावे में रहना सो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अपने आप को जो है परमेश्वर के सच्चाई के साथ अपने आप को कम कर शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जानें वो चाहता है कि आप बहकावे में रहें झूठ में रहें डिसेप्शन में रहें कल्पनाओं में खुद की स्वयं की बनाई हुई आत्मिकता में बने रहें डिसिーブ करता है डिसेप्शन में ये प्रॉब्लम होती है कि इंसान को पता नहीं होता कि वो डिसिーブ हो रहा है या उसके साथ विश्वासघात हो रहा है या उसको गुमराह किया जा रहा है वो सोचता कि वह ठीक है क्योंकि उस सच... उस झूठ में थोड़ी सच्चाई मिक्स होती है तो शैतान का यह काम है कि आप सच्चाई को ना जाने उसके अंदर मिलावट सी डालकर झूठी शिक्षाओं के झूठी तालीम की बातों में आप और मैं फंसे रह जाए तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब आप सच्चाई को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा सच्चाई आपको आजाद करेगी ये सत्य है सच्चाई है परमेश्वर का वचन सत्य है बाकी इंसान की बातें इंसान के नुक्ते, इंसान की भन, बनाई हुई रीति रवायतों उनके अंदर सच्चाई नहीं है कल्चर में समाज में काम में स्कूल में यूनिवर्सिटी में आपके जहां पर आते जाते रहते टाइम स्पेंड करते हैं जो मन इंसान की स्वयं की बनाई हुई अपनी कल्पनाओं में वो इंसान को जो फंसा के रखना चाहता है So, अगर आपने शतान के साथ लड़ना है तो सच्चाई से कमर कसनी पड़ेगी झूठी बातों बातें और मिक्स मिलावट की बातें गलत शिक्षाएं गलत तालीम गलत जो है सुपरस्टिशन जिसे जो है ए, जो आपको लगता है सत्य है पर सत्य है नहीं है भरम इन और हर तरह की डिमोनिक चीजें जो हैं जो जो झूठ की तरफ इशारा करती है सच्चाई उनमें पाई नहीं जाती तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर शैतान के साथ लड़ना है तो नंबर वन सच्चाई के साथ कमर कसले सत्य को खोजना शुरू कर दे सत्य के साथ भरना शुरू कर दे सत्य को अपने आसपास, सत्य को जानोगे सत्य आपको आजाद करेगा सच सही शिक्षा है आपको और मेरे को बच्चों को नौजवानों को अपनी यंग पीढ़ी को अपने बुजुर्गों को अपने अजीजों को सत्य के साथ सच्चाई के साथ जो है भरपूर शिक्षकों के साथ भरना है मन घड़ रीति रिवायतों के पीछे मत पड़ी पहला पत्र दूसरा दया उसकी पहली और दूसरी पंक्ति में लिखा है देर फॉर लाइन असाइड ऑल मैलिस

अनट्रुथफुल uh, चीज़ों से दूर रखे और नए बच्चों के माने नए जन्मे बच्चों के मान शुद्ध वचन के उस दूध के माने जैसे वो वो, वो लालसा करता उस तरह से वचन की जो है लालसा बिलासा ख्वाहिश करते रहे ठीक है ये एक तरीका है हर तरह की बुराई नेगेटिविटी और हर तरह की हिपोक्रेसी हर तरह का भारी दिखावा जिसमें सच्चाई नहीं है जो सच है नहीं पर दिखाया जाता है कि सच है उन चीज़ों से परहेज करें और इससे सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस के रखें so, हथियार है है शैतान को पता है। अगर आप सत्य में रहते तो आपसे वो डरता है आपको प, उसको पता है कि आप सच्चाई में खड़े हुए हैं डिमोनिक पावर्स आपको आपसे डरेंगी आपके शब्दों से डरेगी आपके चरित्र से डरेगी आपकी पर्सनैलिटी से डरेंगी क्योंकि आपने आपको सच्चाई से भरा हुआ है वचन की सही शिक्षाओं से आपने फिल किया हुआ है ओके चैप्टर सिक्स की पत्री छ की चौदह में लिखा है स्टैंड देर फॉर है गुड यूस ऑफ द ट्रूथ एंड हैविंग ऑन द ब्रेस्ट प्लेस ऑफ राइचियसनेस धार्मिकता की रास्त की कवच रास्तबाजी की ब्रस्ट प्लेस से अपने आप को जो है आप रक्षा करें कवच होता है जो आपके ये बॉडी पर लगाया जाता है ओल्डन टाइम जिससे आपका दिल आपके इमोशन आपके हृदय आपकी विचारधाराएं आपका सब कुछ गर्ड रहता है गार्ड रहता है प्रोटेक्टर रहता है किस तरह से जब आप रास्तबाजी रास्तबाजी, रास्तबाजी में की रास्त रास्त के दो हिस्से हैं रास्तबाजी इन पोजीशन रास्तबाजी की पोजीशन क्या मतलब है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत के द्वारा हमारे सारे गुनाहों को गलतियों को त्रुटियों को खामियों को सब पाप गुना को उठा लिया है तो उसने हमारे अंदर से दूर करके हमें पाप पवित्र जिंदगी बख्शी है और अपनी धार्मिकता अपनी रास्तबाजी अपनी अपनी हमें बख्शी है सो इन पोजिशन आप और मैं पर यसु की दी हुई रास्ते उसकी धार्मिकता में ठहरे हुए हैं टिके हुए है उसका दूसरा हिस्सा है राइट स्टैंडिंग राइट डूइंग दूसरा हिस्सा है कि हम ऐसे काम करते हैं ऐसे जो है अपना स्टैंड बना के रखते हैं कि आप और मैं कुछ गलत कार्यों में हिस्सा नहीं लेते हैं गलत कर्मों में अपना हिस्सा नहीं लेते हैं गलत जगह पर नहीं जाते गलत काम में हाथ नहीं डालते हैं और आप और मैं परमेश्वर के साथ एक राइट स्टैंडिंग राइट रिश्ता राइट रास्ते बना के रखते हैं ठीक है एक तो परमेश्वर की दी हुई रास्तबाजी दूसरा है राइट स्टैंडिंग राइट काम राइट डूइंग राइट काम परमेश्वर के दिए हुए उस रास्तबाजी के काम हम अपनी जिंदगी से जाहिर करते हैं बुराइयों से दूर रहते हैं ऐसा ना हो कि मुंह से आप परमेश्वर का नाम जपते रहे और शारीरिक तौर पर आप जो हैं क्या करें कि आ हर तरह की बुराई का हिस्सा बनते रहे सो दिस इज वेरी दैट दट एक्शन शुड स्पीक हम जो हैं रास्तबाजी में धार्मिकता में चल रहे हैं हमारी जो है जिंदगी इस बात को जाहिर कर रही है कि हम अच्छे कर्मों में हिस्सा ले रहे सो so, दो हथियार आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पहला सच्चाई के साथ कमर कस लेनी है दूसरा हमने क्या करना है कि हमने परमेश्वर की धुई दी हुई धार्मिकता अपने खुद के कामों पर नहीं डिपेंड रहना है पहले तो ये सोचना कि यीशु की धार्मिकता को आपने ले लेना है फिर उस धार्मिकता में बने रहना है बरकरार रहना है कि हमें अच्छे काम करने हैं उस धार्मिकता को बनाए रखना है यीशु की दू रास्तबाजी को बरकरार रखना है अपनी जिंदगी के कामों के द्वारा से यीशु कहते हैं दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है सो हम ऐसे दरख्त बने ऐसे वृक्ष बने जो अच्छा फल लेकर आते हैं अच्छे जो है कर्म करते हैं अच्छे काम व्यक्त करते हैं हमारा प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता है लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है हमारे काम जो है ऐसे नहीं है जो इस तरह से क्वेश्चनेबल जो है पोजीशन को पैदा करें या लोग हम पर सवाल करें या शैतान को मौका मिल जाए कि हम ऐसी राइट जिंदगी नहीं जी रहे हैं ताकि उसको मौका मिल जाए तो उस जरिए उन गलत कर्मों के जरिए हमारी जिंदगी में प्रवेश कर ले एंटर कर ले तो आप और मैं जैसे खुदावन के साथ जिंदगी की शुरुआत करते हैं शतान के लिए आप हर दरवाजों को बंद कर देते हैं यीशु की धार्मिकता को लेके राइट काम करने शुरू कर देते हैं सही कर्मों को करना शुरू करते हैं आत्मिक कामों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं ताकि शतान को मौका ना मिले कि आप पर सवाल कर सके या आपके अंदर एंट्र तो ये सच्चाई एंड देन रास्तबाजी यस्सु की रास्तबाजी जो यस्सु अपने लहू के द्वारा से हमें बख्शते हैं खून बहाकर उसने हमारे लिए और रास्तबाजी खरीद ली है हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया है जैसे हमने यस्सु पर यकीन किया है बाय फेथ निष्ठा के द्वारा उसके फजल अनुकर के द्वारा से उसके ग्रेस के द्वारा से हमारे सारे पाप गुनाह माफ कर दिए गए और हम यस्सु में बिल्कुल ऐसे कि हम रास्तबाज हैं, पाक हैं पवित्र हैं रायच ने रायचस् हैं और वाणी कहती है पुरानी सारी बातें जाति देखो सब कुछ नया होगा ये दो हथियार आपने पहने बाकी हम कंटिन्यूली अगली बार अगले सप्ताह में इसका अध्ययन कैरी करते रहेंगे ये स्टडी करते रहेंगे इन हथियारों को पहनते हुए इन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए दो हथियार सच्चाई से कमर कसनी है दूसरा परमेश्वर की रास्तबाजी परमेश्वर की राष्ट्र के उस कवच के साथ अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है संभालना है अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी तब तक आप अपना ध्यान रखें